नमस्कार आपको बता दें कि मारुति सुजुकी की जिमनी लॉन्च हो गई है तो आज हम बात करेंगे जेटा वाली वेरिएंट के बारे में इसकी नई ऑन रोड कीमत और कम से कम डाउन पेमेंट कितनी रहेगी सारी बातें आपको बताएंगे गाड़ी की हम बात करेंगे छह एयरबैग्स की सेफ्टी आपको देखने को मिल जाती है साथ ही आपको मिल जाती है एबीएस एबीडी ई एबी साथ ही आपको मिलते हैं ब्रेक असिस्ट के साथ हिल होल्ड कंट्रोल वाली सेफ्टी फीचर पावर विंडो आपको देखने को मिलेगी सामने और पीछे फोर वे आपको मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पर दी जा रही है इसके डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिलता है नौ इंच का टच स्क्रीन चार स्पीकर आपको को देखने को मिलेगी स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, है कर जनरेट करती है एक सौ चौतीस म्यूटा मीटर की सोलह के पार दोस्तों माइलेज कही जाती है बदलाव संभव है फ्यूल की डेंसिटी और गाड़ी चलाने की ऊपर वाली गाड़ी है फोर सीटर इसमें आपको पंद्रह इंच के व्हील देखने को मिल जाती है और गाड़ी की हम बात करेंगे इंटीरियर के बारे में जैसा की आप देख रहे शानदार इंटीरियर यहाँ पर देखने को मिल जाती बात करेंगे एक्सटीरियर के बारे में ऐसी कुछ आपको बाहरी प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिल रही है इस गाड़ी की नई आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिली है रियर साइड की हम बात करें काफी आपको यूनिक रियर भी देखने को मिल रही है तो जेटा अगर आप लेते हैं इसकी बारह लाख चौहत्तर हजार स्टेशन के आपको देने पड़ेंगे एक लाख नौ हजार इंश्योरेंस के आपको देने पड़ेंगे उनसठ हजार पांच सौ रूपये फास्टैग टीसीएस जैसे अदर चार्ज को शामिल करने के बाद ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी चौदह लाख अंठावन हजार रुपए से लेकर चौदह लाख पचासी हजार रुपए के अंदर ही आप अगर करते हैं तीन लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट तो लोन अमांड उट आपको लेना पड़ेगा ग्यारह लाख अंठावन हजार रूपये का नौ परसेंट ब्याज दर के हिसाब से पांच साल के लिए अड़तीस हजार रूपये का नौ परसेंट ब्याज दर के हिसाब से पांच साल के लिए मंथली किस्त आपकी बनेगी इक्कीस हजार पांच सौ रुपए की छह साल की बात करेंगे अठारह हजार वही सात साल की बात करेंगे सोलह हजार सात सौ रुपए थर्ड प्लान में आप अगर करते हैं साढ़े पांच लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट तो अमाउंट आपको लेना पड़ेगा नौ लाख आठ हजार रूपए का नौ परसेंट ब्याज दर के हिसाब से पांच साल के लिए मंथली किस्तागी अठारह हजार आठ सौ रूपये की छह साल की, की बात करेंगे सोलह हजार सात साल की बात करेंगे चौदह हजार रूपये तो आप तीनों में से कोई भी प्लान ले सकते हैं समय भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं बिहार के पटना में ऑन रोड कीमत चल रही है चौदह लाख तिरासी हजार गुजरात में चौदह लाख सात हजार हरियाणा के फरीदाबाद में चौदह लाख अंठावन हजार झारखंड के रांची जमशेदपुर में चौदह लाख बत्तीस हजार राजस्थान के जयपुर में चौदह लाख तिरासी हजार छत्तीसगढ़ में चौदह लाख पचासी हजार रुपए करीब महाराष्ट्र के नई मुंबई में पंद्रह लाख बारह हजार एमपी के इंदौर में चौदह लाख तिरासी हजार कर्नाटक के बैंगलोर में पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रूपए करीब आपको देखने को मिलेगी आप अगर आते हैं दूसरे भी राज्य में इन ऑन रोड कीमत में आप दस से बीस हजार रूपए अपडाउन करके अपनी बजट को बना सकते हैं साथ ही आपको बता दें इन ऑन रोड कीमत में हमने शामिल नहीं किए हैं कोई भी एक्साइज रेज के चार्ज और नहीं हमने गाड़ी की वारंटी को बढ़ाया है तो अपने सवाल आप कमेंट करेगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद